टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड को हम कह सकते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड। तो इनके दरमियान हमने हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंस को। सबसे पहला जो डिफरेंस होगा इनके साइज का होगा। जो पैरोटिड ग्लैंड है इसका जो साइज है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो लार्जेस्ट साइज इसका जो साइज होता है सबमेंडिबुलर का वो मीडियम होता है। सबलिंगुअल का जो साइज होता है वो रिलेटिवली सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट। नंबर टू, इन तीनों का फंक्शन है सलाइवा बनाना। तो फिर सलाइवा में इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो लिख लेते हैं। ओके, जो पैरोटिड ग्लैंड है तकरीबन हम कह सकते हैं कि 30% सलाइवा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंट्रीब्यूट टू 30% सलाइवा, 30% सलाइवरी आउटपुट। जो सब मैंडिबुलर है सबसे ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, 60% ऑफ टोटल सलाइवरी आउटपुट। सब लिंगुअल ग्लैंड ये कह सकते हैं कि 5% प्रोड्यूस करते हैं, बाकी 5% रह गया वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन आएगा, 5% ऑफ सलाइवरी आउटपुट। नंबर थ्री पैरोटिड ग्लैंड है ये प्योरली सीरस वैरायटी का है, प्योरली सीरस वैरायटी। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये हम कह सकते हैं कि ये मिक्स्ड वैरायटी का है, लेकिन मेनली इसके अंदर हमें किस टाइप का टिश्यू देखने को मिलता है वो होगा सीरस टिश्यू। तो मेनली ये सीरियस इन नेचर है। सबलिंगुअल, ओके, सबलिंगुअल भी मिक्स वैरायटी का होगा लेकिन ये मेनली म्यूकस इन नेचर होगा, मिक्स बट मेनली म्यूकस इन नेचर। नंबर फोर होगा इनकी डक्ट सिस्टम का, जो इंटरकलेटेड डक्ट होती है। ओके, इंटरकलेटेड सिस्टम लॉन्ग और कॉन्स्पिक्यूस देखने को मिलेगा, लॉन्ग एंड कॉन्स्पिक्यूस। यहाँ का जो इंटरकलेटेड डक्ट सिस्टम है वो नैरो देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा और कॉन्स्पिक्यूस नहीं होगा। तो इसका इंटरकलेटेड डक्ट सिस्टम कैसा होगा? नैरो, शॉर्ट होगा और इनकॉन्स्पिक्यूस होगा, इनकॉन्स्पिक्यूस प्रोमिनेंट नहीं होगा। जबकि हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो डक्ट सिस्टम है वो भी शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा और इनकॉन्स्पिक्यूस होगा। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं नंबर फिफ्थ पॉइंट। तो नंबर फाइव होगा स्ट्राइटेड डक्ट का, स्ट्राइटेड डक्ट सिस्टम का। जो स्ट्राइटेड डक्ट सिस्टम होगा इसका पैरोटिड ग्लैंड का वो हम कह सकते हैं लॉन्गर होगा, लॉन्ग होगा और कॉन्स्पिक्यूस होगा। जो स्ट्राइटेड डक्ट सिस्टम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का वो इससे भी ज़्यादा लॉन्ग होगा और मोर कॉन्स्पिक्यूस होगा। जो सब लिंगुअल ग्लैंड का होता है वो हम कह सकते हैं शॉर्ट होता है और इनकॉन्स्पिक्यूस, इनकॉन्स्पिक्यूस। नंबर सिक्स हम देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल और सेप्टा का। तो कनेक्टिव टिश्यू पैरोटिड ग्लैंड का वेल डेवलप होगा और ये सेप्टा सेंड करेगा। कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल वेल डेवलप होगा और ये सेप्टा सेंड करेगा। ओके, यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा कैप्सूल और सेप्टा दोनों वेल डेवलप हो गए, वेल डेवलप हो गए। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल और सेप्टा दोनों के दोनों पुअरली डेवलप हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड के अंदर हमें सीरियस डैमिल्यून्स नहीं हो गए।
पैराटिड ग्लैंड के अंदर सीरस डेमिलियंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सब पेंडिबुलर में सीरस डेमिलियंस हो गए, सब लिंगुअल में भी सीरस डेमिलियंस हो गए। सीरस डेमिलियंस में आपको डायग्राम से दिखाता हूँ ये क्या होते हैं। प्रेजेंट हो गए, इसके अंदर भी प्रेजेंट हो गए। नंबर एट, फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यू, इसमें फैट सेल्स मैनी हो गए, इसके अंदर भी फैट सेल्स हो गए, लेकिन सब लिंगुअल में फैट सेल्स नहीं हो गए, नॉट प्रेजेंट। नंबर नाइन देख लेते हैं इनकी सिक्रेटरी प्रोडक्ट, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है इनके सिक्रीशन में। सिक्रीशन ओके। तो सिक्रीशन में हमें यहाँ पर अल्फा माइलेज होगा इसके सिक्रीशन में, इसके साथ प्रोलीन रिच प्रोटीन होगी, प्रोलीन रिच प्रोटीन। इसके सिक्रीशन में हमें म्यूसिन, जबकि इसके सिक्रीशन में अल्फा माइलेज, म्यूसिन लाइसोजाइम होगा। इसके सिक्रीशन में हमें बी अल्फा माइलेज और म्यूसिन देखने को मिलेगा। तो ये था बेसिक हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस पैराटिड ग्लैंड, सबपेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड में। तो फिर अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं इससे पहले आपको दिखा दे दूँ पैराटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब और सबपेंडिबुलर ग्लैंड इनकी डायग्राम। तो फिर इस डायग्राम में आपको जनरल सलाइवरी ग्लैंड दिखाया हुआ है, सबपेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं सीरस डेमिलियंस, ओके सीरस डेमिलियंस। और यहाँ पे आपको अगर क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है सीरस एसिनस का, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मायोएपिथेलियल सेल्स जो सराउंड करेंगे इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिक्रेशन डक्ट सिस्टम के अंदर पोअर होगी, ओके। और यहाँ पे डक्ट सिस्टम को देखना, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको इंटरकलेटेड डक्ट सिस्टम, ओके इंटरकलेटेड डक्ट सिस्टम। और इसके बाद जो डक्ट सिस्टम आएगा उसको बोलेंगे स्ट्राइटेड डक्ट सिस्टम, ये मिलकर बनाएंगे मेन एक्सक्रेटरी डक्ट सिस्टम। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखिए पैराटिड ग्लैंड को, तो पैराटिड ग्लैंड कुछ इस तरह से नजर आता है। तो यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, ए होगा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सीरस एसिनाई, क्या नजर आ रहा होगा सीरस एसिनाई, क्लियर। और यहाँ आपको बड़े बड़े डक्ट सिस्टम नजर आ रहे होंगे, इसको बोलेंगे स्ट्राइटेड डक्ट, और ये जो छोटा डक्ट सिस्टम है इसको बोलेंगे इंटरग्लेटेड डक्ट। तो ये जो डक्ट सिस्टम है इसको इंटरग्लेटेड डक्ट, ये सीरस एसिनाई है, ये पूरा है स्ट्राइटेड डक्ट सिस्टम, ये स्ट्राइटेड डक्ट सिस्टम है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर होगा सब लिंगुअल ग्लैंड। इसके अंदर देखना फैट सेल्स आपको रिलेटिवली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये देखना ए वाला जो ये है सीरस एसिनाई, ये सीरस एसिनाई, ये सीरस एसिनाई, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सीरस डेमिलियंस, जो एस वाले ना ये है सीरस डेमिलियंस, जो मैं अंडरलाइन करूँ ये सीरस डेमिलियंस है, ये वाला सीरस डेमिलियंस। छोटे छोटे डक्ट सिस्टम होगी इंटरकलेटेड डक्ट सिस्टम, और बड़ी जो डक्ट सिस्टम है उसको बोलेंगे स्ट्राइटेड डक्ट सिस्टम। ठीक हो गया। अब ये सब लिंगुअल भी मिक्सड वेराइटी का है, लेकिन ये लार्जली हम कह सकते हैं ये म्यूकस इन नेचर होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये म्यूकस, ठीक हो गया, म्यूकस सेल नजर आ रहे होंगे, म्यूकस सेल। यहाँ पे छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे डक्ट, इंट्रा लोबुलर डक्ट, जो दो लोबुल के दरमियान में होंगे, तो उसको बोलेंगे इंट्रा लोबुलर डक्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको बड़ा सा लिंगुअल स्ट्राइटेड मसल देखने को मिल रहा है, ये टंग का मसल होगा, क्योंकि ये टंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू पैराटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले ही चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आपकी सपोर्ट हमें चाहिए।